विकास नगर के अंतर्गत पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज हरबर्टपुर में आज जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत सहित शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आयोजित प्रतियोगिता में जनपद स्तरीय पीएम श्री योजना में चयनित 17 प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता आदि विभिन्न विषयों पर अपने अपने विचार रखे। बता दें कि जनपद स्तरीय इस प्रतियोगिता के बाद विजयी प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शिरकत करने का मौका मिलेगा, जहाँ से चयनित प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। वही भाषण प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज राजपुर प्रथम व राजकीय हरबर्टपुर द्वितीय रही, तो वहीं खेलकूद प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज सेलाकुई प्रथम, राजकीय इंटर कॉलेज कालसी द्वितीय रही। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। तो होती जो हो रही है सब चीज, क्या उद्देश्य है? देखिए, पीएम श्री भारत सरकार का एक एजुकेशन के क्षेत्र में एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और भारत सरकार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसे विद्यालयों को जो कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस हों उनको बना रही है, उसी के तहत पीएम श्री विद्यालय भी जो है हमारे देहरादून में भी जो है वो पीएम श्री विद्यालय बने हैं और जितने विद्यालय भी पीएम श्री बने हैं उनकी यहाँ पर आज जो है प्रतियोगिताएं हो रही है। सर, किस किस तरह की प्रतियोगिताएं और कहाँ कहाँ से खिलाड़ी आए हैं? ये हमारे पीएम श्री प्रतियोगिता हो रही है, किस कहाँ कहाँ से टीमें आई है और किस किस तरह की प्रतियोगिता होनी है? जैसे कि आपको बताया, आज हमारे जीआईसी हरबर्टपुर जो कि एक पीएम श्री विद्यालय है और यहाँ पे विभिन्न हमारे जनपद से लगभग 17 ही स्कूल हैं, 3 हमारे प्राथमिक स्कूल हैं जो कि पीएम श्री नामित हैं और 14 हमारे माध्यमिक स्कूल हैं। तो ये सारे 17 के 17 स्कूल आज प्रतिभाग कर रहे हैं और 4 विधाओं में प्रतिभागें हो रही हैं। तो इसमें सांस्कृतिक भी है और बच्चे द्वारा बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है और क्योंकि ये जैसे कि सर ने भी बताया कि जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है और तो हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। ये एक तरह के एग्जाम्पल सेट होंगे, रोल मॉडल सेट होंगे आगे के लिए और स्कूलों के लिए और इसी वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनीता पठानिया है, मैं यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी हूँ। ठीक, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और जो मेरे दूसरे पीएमसी स्कूल के साथ हैं मुझे उनसे भी मिलने का मौका मिला और मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरह से ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, खेल कूद वाद विवाद और क्विज प्रतियोगिता। इससे हमारी जो नॉलेज है वो भी बढ़ रही है और इसी के साथ साथ अगर हम खेल कूद में या ज्ञान की चीज़ों में उलझे रहेंगे तो हम नशे और जो दुर्व्यवहार है उनसे भी दूर रहेंगे। आपने कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया? सर, मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। किस तरह की प्रतियोगिता हुई और आप कौन सी इसमें? विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता हुई जैसे आर्ट्स में, क्राफ्टिंग में और लोकल साइट डिस्कवर और यहाँ पे ना गेम्स के बारे में बताया जा रहा है। ये स्कूल हमारा ही पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज और यहाँ पे जो सारा व्यवस्था की गई है सब हमारे सब मीटर हमारे स्कूल के अध्यापक ने की है और जो प्रिंसिपल है उन सब ने की है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल को के लिए और सर वो कहते हैं ना कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, इसलिए हमारे सरकार है वो भी चाह रही है कि हम सब इस तरह से अपना बच्चों का ध्यान एक्ट करें, उसकी तरफ पढ़ाई के साथ साथ खेलों भी करें। बहुत अच्छा लगता है।